इंसान पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी। कहा जाता है कि यह दूरदर्शी होता है और आने वाले खतरों को भांप लेता है, लेकिन बीते 4 दशकों में इसने ऐसे कोई काम नहीं किए जो पृथ्वी को थोड़ी भी राहत देते हों। प्लास्टिक प्लास्टिक और प्लास्टिक, जानवरों का जीवन बर्बाद करने वाला इंसान का बनाया हुआ सबसे अच्छा उत्पाद। हाल ही में एक न्यूज़ आई MP के बिठली से, जहां एक बैल ने 10 किलो से ज़्यादा पॉलीथीन खा लिया था। खैर, वेटनरी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके प्लास्टिक को बाहर निकाल लिया और जानवर अभी स्वस्थ है। लेकिन क्या इन मूक जानवरों का दर्द हम नहीं समझ सकते? इंडिया हर साल 1.6 मैट्रिक मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जिसके लिए नेचर तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह कम्प्लीटली अननेचुरल है। इस तरह की न्यूज़ तो कॉमन ही हो गई है, लेकिन क्या ये सच में कॉमन है? जल हो या थल, हमने किसी जगह को साफ नहीं छोड़ा, और इसका खामियाजा इनडायरेक्टली हम ही भुगत रहे हैं। समुद्र, नदी और तालाब में फेंक दिए जाने वाले ये प्लास्टिक डिग्रेड तो नहीं होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस टेम्परेचर चेंज से माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें जब ये मछलियाँ खाती हैं और उन मछलियों को जब हम अपना भोजन बनाते हैं तो वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इस तरह हम कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आते हैं। और भारत में इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। 2020 आ चुका है और फिलहाल इंसान की ही की हुई गलती हम भुगत रहे हैं। नेचर से छेड़छाड़ हमेशा महंगा पड़ता है। अब भी वक्त है कि हम इंडिविजुअली हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें, वरना शरीर से उसी तरह निकाल दिए जाएंगे जैसे शरीर से ट्यूमर।